हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ डिवाइडेड डिफरेंसेस। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिर्फ यहाँ पे कि डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं क्या। एक आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल कैसे बनानी है वो सिखा के, एक न्यूमेरिकल आपको ये वाला कि कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर दिस डेटा वो सिखाऊंगा उसके बाद, ताकि आपको जब ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा आप बड़े इजीली इसका इंटरपोलेशन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो आप लोग कर पाएंगे। तो डिवाइडेड डिफरेंस को समझने के लिए आप देखें, मान लीजिए मेरे पास x नॉट, x1, x2, x3 कुछ x की वैल्यूज है जिनके लिए मेरा कोई एक बेसिक फंक्शन y डिफाइंड है और मैं अलग अलग वैल्यूज पे अपना फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूं। नाउ आप देखिए, जैसे कि आई होप आपने पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया था इक्विस्पेस्ड जो हमारे डेटा होते थे वो, जहां पर x की वैल्यू लेट से पहले 1 थी, फिर 5 हुई, फिर 9 हुई, फिर 13। अब इसमें देखूं तो 4 का गैप चल रहा है, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, लेट से 2 हुई या 3 हुई, ये कुछ भी जा सकती है। पर जो x की मेरी वैल्यूज होती थी दोज वर इक्वी स्पेस्ड, यहां पर और यहां पर 4 का गैप है, यहां पर और यहां पर 4 का गैप है, यहां और यहां पर 4 का गैप है, फिर उसकी हमने इंटरपोलेशन की थी। बट जब आपकी अनइक्विस्पेस्ड वैल्यूज रहती हैं, डेटा रहता है, तब आपको डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करना पड़ता है उस डेटा को इंटरपोलेट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो ये, अगर मैं डेटा देखूं तो यहां पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, यहां पर नेगेटिव 1 से 0 ही गया, यहां से 3 का डिफरेंस आ गया, यहां से फिर 3 का डिफरेंस आ गया, यहां से 1 का डिफरेंस आ गया, यहां से 1 का डिफरेंस था। तो यहां पर जो डेटा दिख रहा है मुझे ये इक्विस्पेस्ड नहीं है। इक्विस्पेस्ड आप कैसे देखेंगे, एक्स की क्या क्या वैल्यूज, कहां कहां कौन कौन से पॉइंट है जिस पर वैल्यू मेरे को पता है, इसको कभी नहीं देखना है, ऊपर वाले को इसको पार्ट को देखना होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अन इक्विस्पेस्ड के लिए हम लोग को अपना जो है डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बनाना होता है। तो उसके लिए और डिवाइडेड डिफरेंस कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। नाउ डिवाइडेड डिफरेंस में जैसे कि हम लोग इक्वल में करते थे, इक्वी स्पेस वैल्यूज के लिए करते थे, अगर मेरे पास डेटा दे रखा है x1, x2, x3, x0 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y दे रखा है, तो मैं क्या करता था, यहां से ये माइनस कर देता था और मेरा काम हो जाता था, डिफरेंस आ जाता था। बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। नोटेशन आप देख लीजिए, अगर मुझे फर्स्ट डिफरेंस को डिनोट करना है तो मैं x नॉट x1 ऐसे डिनोट करूंगा, ये मेरा फर्स्ट डिफरेंस है। या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट में रखेंगे x नॉट x1, तो दोनों में से किसी भी तरह आप डिनोट कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले तरीके से कर रहा हूं, आप इससे भी कर सकते हैं जो आपको इजी पड़े। तो अब ये जो f फर्स्ट डिफरेंस है उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, दिस फर्स्ट डिफरेंस, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज गिवन एज तो इसमें क्या है, फंक्शन ये वाला जो वैल्यू है y की माइनस पीछे जो वैल्यू है y की वो, और जो x की वैल्यूज हैं x1 माइनस x0। सिमिलरली अगर ये देखूंगा तो यहां भी यही, यहां पर x2 माइनस x1, अगर इसके लिए देखूंगा x1 x2, सिमिलरली इधर f x2 और x3, 2 और 3, तो इसको मैं दिखा देता हूं आपको, अगर इसका मुझे दिखाना होगा 2
एक्स थ्री सीधा एक्स थ्री माइनस एक्स टू और यहां पर थ्री माइनस टू। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप जो आगे वाली वैल्यू है उसका फंक्शन पहले और ये पीछे वाली को बाद में रख के और उनकी वैल्यू से भी माइनस कर दीजिए। ये पैटर्न आपको आगे दिखेगा, आगे ये पैटर्न आपको काम आएगा, यहां तो इतना नहीं है, पर अगर डायरेक्ट आपसे कोई पूछे थर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा तो आपको उसमें मदद करेगा ये कॉन्सेप्ट। अब सेकेंड डिफरेंस देखें तो सेकेंड डिफरेंस आएगा, आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते थे, अगर इक्वल होता था तो अगेन इन दोनों को माइनस कर देता था, बट यहां पर वो चीज नहीं होगी, यहां पर फिर से मुझे यही लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, बट वो किस तरह लगेगा मैं आपको बताऊंगा और उसका डिनोशन कुछ ऐसा आएगा। अब यहां पर x नॉट है, x1 है और x2, तो ये तीन क्वांटिटी मैं अंदर लिख दूंगा। इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधा वही फॉर्मूला लगाता हूं, f यहां पर देखिए अगेन दिस क्वांटिटी विल बी माइनस बाय दिस x1 x2 माइनस f x0 x1, जो यहां पर मेरी आई थी दोनों को माइनस किया डिवाइडेड बाय। अब आप सोच रहे होंगे क्या करना है, तो आपको लास्ट माइनस फर्स्ट करना है, तो x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से देखा जा सकता था कि इसको इक्वली मैं स्पेस करता, ये दो का पहले फंक्शन रखा, ये दो का जो फंक्शन आया है वो बाद में रखा और उस हिसाब से करा, क्योंकि जब सिंगल एंटिटी थी तब भी यही करा, अब एंटिटी आपकी तीन हो गई है, अगली बार चार हो जाएंगी तो अभी आपको वही करना है। तो एक पैटर्न है जो कि आप आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अप वी हैव दिस, इसको अगर देखूं तो f x1 x2 और x3, x1 x2 और x3, इनका अगर देखूंगा x1 x2 x3, दिस विल बी f, दिस x2 x3, मैंने बोला था पहले ये दो का फंक्शन माइनस फिर ये दो का फंक्शन डिवाइड बाय जो मेरा लास्ट और फिर फर्स्ट x3 माइनस x1, ये हो गया। यहां पर x नॉट है, लास्ट है ना, क्योंकि गलती से वन लिख दिया, यहां पर x नॉट है। तो ये चीज है जो कि आपका सेकेंड डिफरेंस के लिए हो गया। अब थर्ड डिफरेंस अगर देखूं तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, थर्ड डिफरेंस विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, x नॉट आ रहा है, x1 आ रहा है, x2 आ रहा है और x3 भी आ रहा है, तो ये पूरा आ रहा है। इसको अगेन कैसे लिखूंगा, सीधा फंक्शन है x1 x2 x3 का ये माइनस x0 x1 x2 एंड दिस विल बी इक्वल टू जो लास्ट क्वांटिटी और फर्स्ट। ठीक है, फिर से देखेंगे तो मैंने पूरा ये रखा और पूरा ये रखा, इन दोनों का फंक्शंस को अपना देख लिया क्या बनता है। तो इस तरह से आपको अगर आगे भी अगर ये इसमें ज्यादा एंट्रीज होती तो ये आगे तक जाता, फोर्थ डिफरेंस फिफ्थ डिफरेंस, तो आप कहीं तक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और डिवाइडेड डिफरेंस के लिए सिर्फ उतना ही करना आपके लिए काफी है, उसके बाद जब इंटरपोलेशन आएगी तब इस चीज की और आपको दोबारा प्रैक्टिस तभी हो जाएगी। सो क्वेश्चन ये है, कॉन्स्ट्रक्ट करना है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को फॉलोइंग डेटा। मैंने डेटा को वर्टिकली लिख लिया है, अब मुझे टेबल का जो फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, यहां से चालू कर देता हूं। तो पहला डिफरेंस अगेन जो फॉर्मूला मेरा था
कि फंक्शन नेगेटिव 6 जो फंक्शन की वैल्यू है और जो फंक्शन की अपर वैल्यू है माइनस हो जाएंगी दोनों, और यहां पर 0 माइनस नेगेटिव 1 जो फॉर्मूला मेरा बेसिक था फर्स्ट का। सो क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने इसलिए साइड में लिख दिया है अभी के लिए। ये मेरी वैल्यूज हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, वही चीज मैंने यहां पर यूज की है, जो फंक्शन एक्स वन माइनस फंक्शन एक्स नॉट, ठीक है, ऊपर हो गया, और नीचे के लिए 0 माइनस नेगेटिव 1। करना कुछ नहीं है, इन दोनों को माइनस किया, फिर इन दोनों को भी नीचे माइनस किया, ऐसे आप सिंपल स्लैंग लैंग्वेज में समझें तो इन दोनों को वैल्यूज को ऊपर मैंने रखा न्यूमरेटर में, 39 माइनस माइनस 6, और डिनोमिनेटर में मैंने इसको और इसको माइनस कर दिया। सिमिलरली इधर अगर देखूं तो 822 माइनस 39 और यहां पर 6 माइनस 3 और यहां पर 16 माइनस 822, 7 माइनस 6 विल बी 1। तो इस तरह से अब इसकी वैल्यूज निकाल लूंगा और लिख लूंगा। नाउ आप देखेंगे तो ये जैसे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, मैंने इसके बीच में ही लिखा है। आप भी ऐसे ही करिए, जब भी आप ये डेटा सेट के साथ कर रहे हैं तो आप एक एक स्पेस दे के ही जब बनाएं, तब अपनी कॉपी में तब बनाएं आंसर शीट में। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अब मैं देख लेता हूं, यहां पर क्या रहेगा मेरा, ये और ये इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में मैं डिवाइडेड डिफरेंस देखूंगा। तो इनको अगर देखूंगा तो ये पूरा कहां से चलता आ रहा है, यहां से, और ये पूरा चलता आ रहा है यहां से। अगेन सेम मेथड, 15 माइनस माइनस 9। नीचे डेनोमिनेटर में भी एक्स की वैल्यूज माइनस करता हूं तो यहां पर ये जो है ये यहां से इंपैक्टेड होता आ रहा है, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला भी याद हो तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, यहां पर मैंने लिख दिया फॉर्मूला को। तो ये मेरा x1 x2 है, ये x0 x2 है, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया ऊपर, और यहां पर x2 माइनस x0, x2 माइनस x0। और टेबल में देखने का यही तरीका है, ये कहां से आ रही है, ये वैल्यू इन दोनों से आई है, तो मतलब ये और ये वैल्यू इन दोनों से आई है। तो टोटल अगर इन दोनों को देख रहा हूं तो ये कहां से इंपैक्ट होती हुई आई है, यहां से, और यहां से इंपैक्ट होती हुई आई है। ये आप जब एक क्वेश्चन खुद करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर 3 माइनस माइनस 1, सिमिलरली आगे भी कर लेंगे, इन दोनों में अगर देखूं 261 माइनस 15। अब इस पे देखूं, ये यहां से आई है और ये x1 की वैल्यू 0 है, सॉरी यहां पर नहीं, यहां से 6 माइनस 0, ये यहां से इंपैक्ट होती हुई आ रही है। अब इन दोनों का भी देख लेते हैं, 789 माइनस 261, ये यहां से आ रही है, 7 माइनस 3। इसको अगेन कैलकुलेट कर लूंगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नाउ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस देखूंगा इन दोनों के बीच में, अगेन कॉन्सेप्ट मैं सेम ही रखूंगा, मेरा 41 माइनस 6, ठीक है, दोनों जो फंक्शन की वैल्यूज हैं वो। अब x की वैल्यू ट्रेस करनी है तो देखता हूं x की वैल्यू, यहां से बैक गया ये 6 क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट है, ठीक है, मैं अपर वाली देख रहा हूं, यहां पर अगेन 9 इसका और इसका रिजल्टेंट है, और ये यहां से आ रहा है, तो ये मेरे बेस वैल्यू 1 हो गई। और 41 के लिए ये इधर और इधर से है, देन ये जो है ये इधर और इधर से है, अंदर की वैल्यूज नहीं देखूंगा, मुझे बाहर बाहर चाहिए, ये x3, तो x3 माइनस x0 जो कि है 6 माइनस नेगेटिव 1। अब सिमिलरली इन दोनों का देख लेता हूं, इसमें ये जो वैल्यू है ये यहां से आई, ये वैल्यू इधर गई, इधर और इधर से आई, और ये यहां पर,
ठीक है, ये तो मैं ऐसे लिख लूंगा, मेरे पास एक वैल्यू ट्रैक हो गई है और दूसरी वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है एक्स फोर ही रहनी है वैसे यहां से, तो ये मेरा हो गया 7 माइनस 0। इन दोनों को कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे आंसर्स आ जाएंगे मेरे पास, जो कि फाइव और 13 है। और इसी तरह फोर्थ का निकालूंगा, फोर्थ का क्योंकि अब ये पूरी समड अप है, तो 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय